विचार कर रहे हैं, विच एक है कि हमारा यूनिवर्स आज कैसा एग्जिस्ट करता है, मतलब हमारी दुनिया कैसी एग्जिस्ट करती है, और अगर हमें उस दुनिया को बदलना है या क्या हम दुनिया चाहते हैं, तो एक हुआ एक हमारा डिजायर और एक हुआ हमारी आज की दुनिया, विच इज ओनली टू यू. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई वर्ल्ड, बिकॉज माई वर्ल्ड मे बी डिफरेंट देन योर वर्ल्ड, राइट? सो मैं वो चीज आज आपको, आप सबको ये एक्सरसाइज करनी है, तो उसके लिए आप लोग जरा 2 मिनट को, थोड़े देर को अपने आप को सब चीजों से अलग कर लीजिए एंड शांतिपूर्वक अपने जो भी स्थान है, जहां पर भी है, आप बैठ जाइए. अपनी आंखों को बंद कर लीजिए. और अपने श्वास पे ध्यान दीजिए. जस्ट ऑब्जर्व आपकी श्वास कैसी चल रही है. हो सकता है इस समय पे आपकी श्वास थोड़ी बड़ी भी हो, मन में कुछ टेंशन है, कुछ विचार हैं, कुछ थॉट्स हैं, कुछ प्रकार के डर हैं. किस चीज को लेकर चिंतित हैं आप? मन में किस प्रकार का विचार डोमिनेंट है सबसे ज्यादा? जो भी विचार आज आपको आ रहा है, जो भी फियर है, किस बात को लेकर है? आपकी करंट सिचुएशन, आपका पास्ट या आपका फ्यूचर? जस्ट रियलाइज वेयर योर एनर्जी इज ब्लॉक्ड द मोस्ट. आपके बच्चे, आपके पति या पत्नी, या आपका पार्टनर, आपकी एक्स, आपके माता पिता, आपका कार्य, आपकी जो भी सोच है, जो भी फियर है, पहले तो वो पास्ट को रिलेटेड है, प्रेजेंट को रिलेटेड है, फ्यूचर को रिलेटेड है, फिर वो किस लोगों के, किस चीजों पे, किस जगह पर अटकी हुई है, किस फैमिली मेंबर, किस परिवार वाले के सहे सदस्य, किस पर? और आप किस बात को लेकर आप चिंतित हैं? क्या वह बात आपको खुद को लेकर है या बात किसी और को लेकर है? क्या आप चिंतित हैं आपके बच्चे की हेल्थ को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर, या आप चिंतित हैं आपके पति या पत्नी का दृष्टिकोण को लेकर, सोच को लेकर, विचार को लेकर, या चिंतित हैं किसी दोस्त के लिए वो कैसा सोचता है, कैसा कर रहा है, जीवन में क्या पा रहा है? या आपके माता पिता को लेकर कि वह कैसा सोचते हैं, कैसा करते हैं? अब एक आप हैं, आपका विचार, आपका सोच, जिस बारे में, जिस विषय पर, जिस चीज को लेकर, उसमें से कितना विचार आपके खुद के लिए है? क्या आप देख पा रहे हैं कि जो भी आप, जहां पर भी हैं, चाहे वह आपके समय को लेकर था, तो समय भी हो सकता है आपका ज्यादा ध्यान आपके पास्ट या फ्यूचर पे है. जब आपने
अपने थॉट्स के बारे में सोचा तो हो सकता है वो थॉट्स भी किसी और के बारे में, किसी और की चीज़ों पे, किसी और के कहने या सुनने पर है। और जब आपने लोगों के बारे में भी सोचा तो शायद ज़्यादातर विचार आपके आसपास के लोगों को लेकर ही हैं, पर इसमें से आपके खुद के बारे में कितने विचार हैं? आप कितना अपने बारे में सोच रहे हैं? आप क्या हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या पाना चाहते हैं? आपने अभी तक जीवन में क्या किया? आपने जीवन में क्या कर रहे हैं और जीवन में क्या करेंगे? क्या इसके ऊपर आपका ध्यान है? तो जब यह जीवन आपका है, जीवन में कार्य करने का, कार्य में सफल होने का, कार्य में कुछ हासिल करने का, उस सब का जिम्मा आपका है, तो फिर आपकी एनर्जी कितने हद तक आपके इस काम पर लग रही? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ज्यादा से ज्यादा समय दूसरों के लिए व्यतीत कर रहे हैं? अपना जीवन आप दूसरों के लिए जी रहे हैं या उस चीज के लिए जी रहे हैं जो कि आज स्थिति नहीं है, आज है ही नहीं, आज एग्जिस्ट ही नहीं करती? क्योंकि ना आपका पास्ट एग्जिस्ट करता है और ना ही फ्यूचर, और जो है वो आज है, पर आज पर तो आपका ध्यान ही नहीं है, और ना ही आपका ध्यान है अपने आप पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ध्यान और लोगों के विचार, और लोगों के थॉट्स, और लोगों की सोच, और लोगों की चीजों पर है। तो अगर आपको अपनी तरफ ध्यान लेके आना है, तो उसके लिए आपको क्या करना? क्या कार्य करने होंगे? क्या निर्णय लेना होगा जिससे कि आप अपना ध्यान उन सब से निकाल पाए? जस्ट नाउ अब सिर्फ ये फोकस करिए कि धीरे धीरे एक एक चीज, एक एक स्थान, एक एक चीज जहां पर भी आपका विचार, थॉट जना, जहां आपका विचार अटका है, आप उन सब जगह से, अपने स्थान से अपनी तरफ वह चीज को, जो आपकी एनर्जी है, जो कि आपके पास रहनी चाहिए, जो आपके आपके कार्य में आपकी मदद करनी चाहिए, आज आप उसको अपनी तरफ खींच कर, जैसे कि एक डोरी है, उससे आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं और उसे लाकर अपने स्पेस में एक हुक पर बांध रहे हैं। तो जस्ट फील एज इफ यू आर पुलिंग द स्ट्रिंग स्लोली स्लोली फ्रॉम ईच स्पेस, चाहे वह कोई जगह है, कोई स्थान है, कोई लोग हैं, कोई थॉट प्रोसेस है, जिसके पास भी है, चाहे वह आपके बच्चों की, परिवार वालों के सदस्यों के, चाहे आपके फ्रेंड्स, चाहे आपके माता पिता, जो भी लोग हैं, आपकी जो एनर्जी आपने उन सबको दी हुई है, बांटी हुई है, अब समय है उस सब एनर्जी को अपने स्पेस में पुल करिए। तो जस्ट फील एज इफ हर एक के साथ एक एक स्ट्रिंग है जो आपसे अटैच तो है, और उसके थ्रू आपकी एनर्जी उन तक जा रही है, पर जब आप उनको उसको वापस लेना है, तो आप कहीं ना कहीं वो डोरी को वहां से तोड़ के, उस डोरी को वापस अपनी तरफ खींच के लेके आ रहे हैं, और फिर वह अपने स्पेस में उसको हुक कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं।
क्योंकि एक रिजर्वर बना रहे हैं आप अपने अंदर, जहां आप अपनी एनर्जी को वापस रिट्रैक्ट करके स्टोर कर रहे हैं। सो जस्ट फील, मे बी 10 जगह पर आपकी एनर्जी बटी हुई हो सकता है 10 से ज्यादा भी हो। इतना विभाजन आपने अपनी एनर्जी का किया हुआ है कि आपके खुद के स्पेस में आपके लिए, आपकी चीजों के लिए कुछ भी नहीं है। और जब आपके लिए, आपकी चीजों के लिए कुछ नहीं है, तो कैसे आप सफलता पा सकते हैं? कैसे आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं? आपने तो अपना सब कुछ बांट दिया है। तो भले ही अपना प्यार दीजिए, पर अपना ध्यान, अपनी एनर्जी को तो अपने अंदर रखें। स्टेट जस्ट कीप ऑन पुलिंग ऑल द एनर्जीज फ्रॉम डिफरेंट स्पेसेस। मे बी इट मे नॉट बी इजी, कुछ जगह पे आपको लगे नहीं, वहाँ पे मेरी ज़रूरत है, मुझे देना ही पड़ेगा अपनी एनर्जी को। लेकिन जीवन तो यह आपका है ना। जीवन आप तभी जी पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, जब आप अपने स्पेस में अपनी एनर्जी को रखो। इसमें से ज़्यादातर एनर्जी तो ऐसी है जो कि उस जने, उस चीज़ को पता भी नहीं है कि आपने उसको दी है, उसको उसकी अहमियत ही नहीं, और शायद उनको उसकी ज़रूरत भी नहीं। अगर हर जने की एनर्जी अपने अंदर होती, अपने आप में होती, अपनी चीज़ों पर होती, ध्यान अपने अंदर होता, तो हर कोई अपने अंदर संपन्न होता, कंप्लीट होता। लेकिन क्योंकि हम इतने बिटे हुए हैं, इतने बिखरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ दूसरों की एनर्जी में इंटरफेयर कर रहे हैं और अपने लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हर कोई ऐसे ही चल रहा है, वो सिर्फ दूसरों के लिए जीना चाह रहा है, दूसरों के लिए कुछ करना चाह रहा है। पर क्या उसके पीछे वो भाव है कि दूसरों के लिए कुछ करना है, या भाव ये है कि आप वहां पर एक अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, अपने आप को वहां पर देखना चाहते हैं? पर सबसे पहले तो अपने अंदर अपने आप को देख लीजिए। तो जस्ट पुल ऑल योर एनर्जी वेर एवर विच स्पेस विच एवर पर्सन टाइम इट इज स्टक, कॉल इट बैक एंड ब्रिंग इट विद इन योर सेल्फ, स्टोर इट इन योर हार्ट सेंटर विच कैन फर्दर डिस्ट्रीब्यूट इट टू द डेफिशियंट पार्ट इन योर बॉडी। धीरे 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 जब आपकी सारी एनर्जी अपने आप में आ जाएगी, तो यू विल बी एबल टू सेंटर योर सेल्फ, एंड दिस इज कॉल्ड सेंटरिंग, वेयर वी ऑलवेज से प्लीज सेंटर योर सेल्फ। अब जब आपने अपने आप को सेंटर कर लिया है, अब आपका फोकस आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपकी दुनिया कैसी, उस पर लगेगा। अब आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में क्या कमियां हैं, क्या चीजों पे आपको कार्य करना है, किन चीजों को आपको सुधारना है। अब अपनी बात हो रही है, वॉट आई वॉन्ट टू डू, वेयर आई वॉन्ट टू गो, वॉट इज मिसिंग, वॉट आई नीड टू एड, किस चीज को मुझे ठीक करना है, बराबर करना है, कम करना है, अलग करना है, सजाना है, संवारना है, बेहतर बनाना। तो एक तरफ अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जब आपकी पूरी एनर्जी आपके अंदर है, कि किस किस कोन कोने पर आपको काम करना है जीवन, आपके क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको बदलाव लाना, किन चीजों में आप पिछड़ गए हैं, थम गए हैं, सहम गए हैं, डर गए हैं, और
और आपके पास अब आपकी पूरी एनर्जी है कि आप उन चीजों को बदल पाए, सवार पाए, सही कर पाए, जिससे जीवन में जो आप बनाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वह हो सके। दूसरे क्या बने, दूसरे कैसे लगे, दूसरे किस प्रकार से बोलें, कहें, उस पर आपका ध्यान नहीं है। आप क्या बोलें, आप क्या करें, आप कैसे निखरें, आप किस प्रकार से दिखें, अब आपका ध्यान सब उस तरफ है। तो अब आप देख सकते हैं कि जीवन में क्या-क्या चीजों पे आपने कार्य नहीं किया। उम्र भी बीत गई है, उम्र बढ़ती जा रही है, जीवन में बहुत कुछ करना है, पर आप क्या-क्या करना है दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है। अब मन के अंदर रोशनी है जो उन चीजों पर वह निगाह डाल पा रही है, जिससे निगाह डाल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि जीवन में क्या-क्या रहा है, क्या-क्या करना है, कैसे करना है और क्या बनाना है। और फिर वह उज्जवल भविष्य की जो कामना आप कर रहे हैं, जिस यूनिवर्स की आप कामना कर रहे हैं, वह यूनिवर्स पॉसिबल हो पाएगा। सो इफ आई नीड टू क्रिएट माय यूनिवर्स, आई नीड टू नो व्हाट इज द यूनिवर्स आई एम इन, एंड फॉर दैट आई नीड टू ब्रिंग इन माय एनर्जी टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज माय यूनिवर्स। व्हाई एम आई लुकिंग एट यूनिवर्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू? सो सी योर ओन यूनिवर्स, सी योर ओन रियालिटी। योर रियालिटी इज डिफरेंट दैट वॉट द अदर पर्सन वॉन्ट्स और वॉट यू वॉन्ट फॉर अदर्स। एंड देन नाउ थिंक वॉट यू वॉन्ट इट टू बी, ट्रांसफॉर्म इट टू बी। सो अब आपके ये दोनों पहलू आपके सामने हैं। आपका जीवन ऐसा है, जीवन में चीजें ऐसी हैं, जीवन इस प्रकार से चल रहा है, और आपको क्या करना है टू सी जो जीवन आप चाहते हैं, जो कि उसके बाजू में आपको दिखाई दे रहा है। और अब धीरे धीरे जो जीवन आप चाहते हैं उसको बड़ा होते हुए देखिए, और जैसे जैसे वह जीवन बड़ा होता जाएगा, वही आपकी हकीकत बन जाएगा, वही आपकी रियलिटी बन जाएगा, वही आपके सामने होगा, उसी में आप होंगे, वही आपका समय है। जस्ट सी दैट इमेज, जो इमेज में आप अपने आप को देखना चाहते हैं, आसपास अपने जो भी स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, चीजें देखना चाहते हैं, चाहे लोग भी देखना चाहते हैं, पर अब आपको वह इमेज, फाइनल इमेज वह दिख रही है जैसे आप अपने आप को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। और जब वो प्रत्यक्ष चीज आपको दिख जाती है, जस्ट फील दैट एंटायर थिंग गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन योर टुडेज ऑरा। आपका जो स्पेस है, आपकी जो बॉडी है, आपकी फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, सब वो चीज को अपने अंदर समा रही है, जैसे कि एक एक्सरे के समान आपके अंदर वो पूरी पिक्चर बाहर निकल के आ रही है। यही आपका फ्यूचर है और यही आपका प्रेजेंट है। और उसमें आप अपने आप को सुखी सुखद महसूस कर रहे हैं, स्माइल है आपके फेस पे, क्योंकि इसी को आप देखना चाहते थे, इसी को आप अनुभव करना चाहते थे, इसी के लिए आप कार्य कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप इधर उधर इतने भटक गए थे, इतने लोगों के बीच में, कि
कि आपका खुद के ऊपर उस ध्यान, रियलिटी के ऊपर ध्यान रहा ही नहीं। सो वंस यू आर टोटली एब्जॉर्ब्ड इन दैट एनर्जी, स्लोली स्लोली विद मूवमेंट्स इन योर हैंड्स, इन योर टोज, और अपने हाथों को, दोनों को एक दूसरे से मलकर अपनी आंखों पर लगा लीजिए एंड जस्ट ओपन अप टू सी इट इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, द रेप्लिका, द रिप्ले ऑफ वॉट एवर यू हैव थॉट, वॉट एवर वॉज केम इन योर माइंड, वॉट एवर अपियर्ड इन योर माइंड, वह सब आपके सामने अब पूरी तरह से चलेगा इस दुनिया में। ओके okay? तो आप लोग सबका हो गया? ओके ठीक है। आप लोग के लिए ये पॉसिबल हुआ, आपको ऐसा दिखा कि कहाँ आपकी एनर्जीज अटकी हैं, कहाँ पे आपके स्पेस में आप कहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, किस तरफ ध्यान दे रहे हैं, और क्या आपका करंट रियलिटी है, लाइफ में किस प्रकार से जीवन आज चल रहा है, और क्या जीवन आप चाहेंगे, क्या आप ये अनुभव कर पाए? यस मैम, मेडिटेशन बहुत अच्छा था। इसके पहले रियलाइज ही नहीं हुआ कि हमारी एनर्जी अननोइंगली कहाँ पर खर्च हो रही है। आज के मेडिटेशन में रियलाइज हुआ कि हम जी तो रहे हैं बट एनर्जी कहीं और काम कर रही है। हाँ, हम सब में एनर्जी है, हम सब एनर्जी से भरपूर हैं, बट कहीं ना कहीं हम फिर भी डेफिशिएंट पाते हैं अपने आप को एनर्जी में, क्योंकि जब हम डेफिशिएंट पाते हैं तो ही हमें बीमारियाँ, मेंटल इश्यूज या किसी प्रकार के ऑब्स्टिकल्स, डिस्टरबेंस जो भी है वो लाइफ में हमें क्यों आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम में उतनी क्षमता नहीं है कि हम वो चीज़ों को हैंडल कर पाए। पर हमारी क्षमता गई कहाँ? भगवान ने तो हमको पूरी क्षमता दी है, हम पैदा हुए हैं उस क्षमता के साथ कि हम वो चीजों को हैंडल कर पाए, पर इसलिए क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी के स्रोत को खो दिया है, हमने औरों में उसको बांट दिया है, और जब बांट दिया है तो शायद हम 20% 30% उतने पे ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब हम 30% पे ही ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे अंदर तो खोखलापन है ना, कमी है, लोनलीनेस है, डिसएसोसिएशन है, और जब वह डिसएसोसिएशन है तो कुछ और चीजों के लिए तो जगह बनेगी ही ना फिर उसमें। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी एनर्जी को सारी जगहों से करें, ये एवरी डे का प्रोसेस होना चाहिए, एवरी डे, इट्स नॉट जस्ट टुडे। हर रोज आप 10 मिनट दीजिए अपने आप को, सिर्फ 10 मिनट ही देने अपने आप को, औरों के लिए तो हमारे पास बहुत समय होता है, अपने लिए क्या 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते? तो 10 मिनट अपने आप को दीजिए, शांति से बैठिए, पूरे दिन में क्या क्या, कहाँ कहाँ पे मेरा विचार किस किस के साथ था, किस किस चीजों पे था, कहाँ कहाँ मैं फालतू में अटकी भी थी, चाहे वह मेरे बच्चे हों, दोस्त हों, पति हों, हम हर एक चीज में दूसरों को बदलने में, परिवर्तन लाने में उन्हीं को सोर्स बनाते हैं कि दे आर द पर्सन हु विल मेक द चेंज, व्हाई कांट वी मेक द चेंज? Thank you.